Custom Exceptions पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे, Custom Exceptions, Ortho और Throws कीवर्ड का उपयोग। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 16.04 OS, JDK 1.7 और Eclipse 4.3.1। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो संबंधित जावा ट्यूटोरियल के लिए कृपया निम्न लिंक पर जाएं। पहले कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में सीखते हैं। कस्टम एक्सेप्शंस एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है। इसे आमतौर पर चेक्ड एक्सेप्शंस के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग यूजर की आवश्यकता के अनुसार एक्सेप्शन कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है। हम एक्लिप्स खोलेंगे और कस्टम एक्सेप्शन डेमो नामक एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। कस्टम एक्सेप्शंस के प्रदर्शन के लिए इस प्रोजेक्ट में हम आवश्यक क्लासेस बनाएंगे। हम नया क्लास इनवैलिड मार्क एक्सेप्शन बनाएंगे। इसे एक्सेप्शन क्लास का प्रकार बनाने के लिए ये जावा एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होना चाहिए। ऐसा करने के लिए टाइप करें एक्सटेंड एक्सेप्शन, सोर्स मेन्यू पर क्लिक करें और फिर जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास चुनें। अब दाईं ओर पर डीसेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें, फिर सिंगल स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर को चुनें और नीचे ओके बटन पर क्लिक करें। इस स्ट्रिंग आर्गुमेंट का उपयोग प्रदर्शित मैसेज को कस्टमाइज करने के लिए किया जा सकता है जब ये एक्सेप्शन आता है। स्टूडेंट मार्क्स नामक अन्य क्लास जोड़ें, फिर निम्न कोड टाइप करें। इस क्लास में मार्क्स नामक केवल एक वेरिएबल है। ये कंस्ट्रक्टर मार्क्स की वैल्यू इनिशियलाइज करता है। मार्क्स को मान्य करने के लिए मेथड जोड़ें। मार्क्स की सामान्य श्रेणी 0 से 100 तक होती है। यदि मार्क्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100 परिष्कृत है, इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन आएगा। इसके लिए हमें कस्टम एक्सेप्शन को हटाने के लिए थ्रो कीवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि मार्क सही है तो एंट्री ओके प्रदर्शित होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक इनवैलिड मार्क एक्सेप्शन एरर है। इसे चेक करें और पुनः हल करें। एरर पर क्लिक करें और एड थ्रोस डिक्लेरेशन पर डबल क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि मेथड सिग्नेचर में throws invalid mark exception जोड़ने पर एरर गायब हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि throws कीवर्ड का उपयोग मेथड्स के साथ किया जाता है। ये दर्शाता है कि मेथड स्पेसिफाइड एक्सेप्शन को बढ़ाएगा। हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रदान करना होगा जब इस मेथड का कॉल किया जाता है। अब फाइल एक्सेस ऑपरेशन दर्शाते हैं जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को बढ़ाएगा। फाइल रीडर क्लास का एक उदाहरण बनाने के लिए निम्न कोड टाइप करें। एक्लिप्स कुछ एरर दिखाएगा क्योंकि हमने संबंधित जावा पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं किया है। उसको सही करने के लिए एरर पर क्लिक करें और फिर इंपोर्ट फाइल रीडर जावा आईओ पर डबल क्लिक करें। हम पैकेज और उसके उपयोग के बारे में बाद के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। होम फोल्डर में मार्क्स नामक फाइल को एक्सेस करने के लिए FR को अनुमति देने के लिए निम्न कोड टाइप करें। यहाँ दिखाए गए पाथ को अपने सिस्टम के होम फोल्डर के साथ बदलें। एक एरर दर्शाती है कि कोड की ये लाइन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को बढ़ा सकती है। हम थ्रोस क्लॉज में इस एक्सेप्शन को जोड़कर इसे सही कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी throws क्लॉज में जुड़ गया है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हम throws का उपयोग करके कई exceptions को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम student marks क्लास में main method बनाएंगे और परिणामों का सत्यापन करेंगे। यहाँ हमने marks
के लिए वैल्यू के रूप में 40 इनिशियलाइज करने के साथ एक ऑब्जेक्ट m1 बनाया है। अगली लाइन में हम m1 ऑब्जेक्ट का उपयोग करके वैलिडेट मेथड लागू करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक एरर है जब वैलिडेट मेथड लागू होता है। ये दर्शाता है कि ये मेथड इनवैलिड मार्क एक्सेप्शन और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को बढ़ाएगा। एरर को सही करने के लिए हम मेन मेथड में थ्रोस क्लॉज जोड़ सकते हैं जैसा हमने पहले किया, लेकिन ट्राई और कैच ब्लॉक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अतः सराउंड विद ट्राई कैच पर क्लिक करें। अब आवश्यक ट्राई कैच ब्लॉक्स जोड़े गए हैं और आर एडेड एंड द एक्सेप्शन को नियंत्रित किया गया है। अब प्रोग्राम रन करें। ये दर्शाता है एंट्री ओके और रेस्ट ऑफ द कोड। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्क्स की वैल्यू 40 एक सही प्रविष्टि है। अब वैल्यू को -10 करें जो सही प्रविष्टि नहीं है। हम प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इनवैलिड मार्क एक्सेप्शन को हटाता है क्योंकि -10 सही प्रविष्टि नहीं है। क्योंकि हमने एक्सेप्शन को नियंत्रित कर दिया है, हम रेस्ट ऑफ द कोड मैसेज देख सकते हैं। इसके बजाय यदि हम थ्रोस क्लॉज का उपयोग करते हैं तो ये मैसेज रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट नहीं होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अतः ट्राई कैच ब्लॉक का उपयोग करना बेहतर है जब मेन मेथड में एक मेथड कॉल किया जाता है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कस्टम एक्सेप्शन क्या है, थ्रो और थ्रोस कीवर्ड का उपयोग, कस्टम एक्सेप्शंस को कैसे बनाएं और उपयोग करें, नियत कार्य के रूप में इनवैलिड एज एक्सेप्शन नामक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाएं, अन्य क्लास एज बनाएं और एज की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएं, एक एक्सेप्शन को हटाने के लिए मेथड वैलिडेट भी बनाएं यदि उम्र 18 से कम है, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाएं और वैलिडेट मेथड लागू करें। जब भी आवश्यक हो ट्राई कैच ब्लॉक्स का उपयोग करके एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रदान करें, कस्टम एक्सेप्शन क्लास का सत्यापन करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है, कृपया इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है, ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।